हाय गाइस, दिस इज अक्षय फ्रॉम अक्की व्लॉग्स एमबीडी। सो गाइस, अभी मैं हूँ मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर। वेदर देखा था, क्या खतरनाक हो रहा है। सो गाइस, कोहरा देखिए कितना ज्यादा हो रहा है। 2:26 और अपनी ट्रेन आ चुकी है। मैं जा रहा हूँ अभी नई दिल्ली। दिल्ली क्यों जा रहा हूँ ये बताता हूँ मैं आप। दिल्ली पहुँच कर ट्रेन बोर्ड करता हूँ, उसके बाद सीधा दिल्ली मिलता हूँ आप लोग को। 3 hours later सो फाइनली गाइस, पहुँच चुका हूँ दिल्ली। अभी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की तरफ जा रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। टाइम हो गया है 5:46, अब चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। सो फाइनली गाइस, पहुंच चुका हूँ टर्मिनल 3 पर। सो गाइस, मैंने अपना बैग चेक इन में डाल दिया है, बोर्डिंग पास प्रिंट कर लिया है, अब चलते हैं सिक्योरिटी की तरफ। सो गाइस, सब कुछ क्लियर हो चुका है, बोर्डिंग टाइम है 8:50, तो अभी चलते हैं लॉन्च की तरफ। आ चुका हूँ एयरपोर्ट की सबसे मेरी फेवरेट जगह पर, तो चलते हैं अभी एनक्लेव लॉन्च में। लॉन्च एक्सेस करके आ चुका हूँ, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी होगी, तो चलता हूँ अपने गेट की तरफ। गेट नंबर है मेरा 47। सो फाइनली अपने गेट पर आ चुका हूँ। श्रीनगर एयरपोर्ट। जल्दी से बैग नंबर 3 पर जाना है, अपना बैग कलेक्ट करता हूँ। सो गाइस, एयरपोर्ट के बाहर ही है, टूरिस्ट सिम कार्ड दे मिल रहा है 523 days वैलिडिटी, बहुत ज़्यादा महंगा है, तो मैं आगे लोकल मार्केट में ट्राई करूँगा। मैं चलता हूँ आगे, ठीक है। सो गाइस, ये सेल टैक्सी कर लिया मैंने लाल चौक तक के लिए। TRC वगैरह बोल रहे थे, अब मुझे तो पता नहीं TRC वगैरह क्या है। फिलहाल 150 rupees में ये मुझे लाल चौक या TRC जो भी है वहाँ तक छोड़ देंगे। मेन टूरिस्ट प्लेस बता रहे हैं कि सारे टूरिस्ट उधर ही रुकते हैं। बैग मेरा ऊपर चला गया है। सो गाइस, वो टैक्सी हमने छोड़ दिया, तो अब जा रहे हैं भैया बस से। यहाँ पर अभी फोटो वगैरह लिया ये अपने जवान लोग,
वो टैक्सी छोड़ के मैंने ये सरकारी बस कर ली, इसी में जा रहे हैं सब लोग, तो मैं भी इसी में चल दिया। ये उससे सस्ती भी पड़ेगी, जब टिकट देंगे तब बताऊंगा कितने का था टिकट। सो फाइनली निकल चुकी है अपनी बस एयरपोर्ट से 11:45। और इसका प्राइस था बस का आपको रूम अच्छा रूम चाहिए बढ़िया? नहीं नहीं, रूम आपको एक्सपेंसिव वाला चाहिए या नॉर्मल वाला? नॉर्मल वही आप बोलते हैं बढ़िया रूम जो है वही बोलते हैं। देखो यहाँ दो टाइप का रूम, एक तो हाउस बोट है लॉज में वाई फाई वाई फाई है, दूसरा है होटल। आपको हाउस बोट में रुकने का होटल में रुकने हाउस बोट का क्या प्राइस होगा वो आपको दिखाएगा उसे, चलो क्योंकि जो बंदे पता है उतना बंदा है। ये गवर्नमेंट का बोर्ड लगता है डेफोडियर, उसका नाम है डेफोडियर, गवर्नमेंट के अंडर है सारी बोट्स। ये टूरिस्ट बहुत आ रहा है, 9 बजे तक फ्लाइट आता है। सो गाइज ये आ चुका है अपना कावा, कश्मीरी कावा, गले के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये। और ये रहा मेरा हाउस बोट का टूर, अभी कराता हूँ आपको पूरा ओवरव्यू, पहले मैं अपना कावा फिनिश करता हूँ। सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ शिकारा राइड करने के लिए। चाहिए उधर देखो टॉप में टीवी टावर के पास क्या है उधर? जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना, वो वही गाना। अच्छा वो उधर गाना शूट हुआ था वो रॉची संजय दत्त का, वो भी वही बनाया। मिशन कश्मीर जो टारगेट होता है वो टीवी टावर बनाने का। अच्छा अच्छा वही वाला रितेश रोशन। तो इस टॉप पर काफी मूवी और सॉन्ग शूट हुए हैं। ये कोई ये जमा है? हाँ दिख रहा है, लेकिन कच्चा जमा फील हो रहा है। देखो ये देखिएगा इस बर्फ जमा हुआ है धीरे धीरे, ये बहुत ठंडा है। तो यहाँ की बोट्स देखिएगा इस कितनी मॉडर्न होगी हो चुकी है, जितना आगे आ रहे हैं। अब भैया बता रहे 10 से 15 हज़ार यहाँ पे प्राइस हो गया है। और इधर जब तक है जान वगैरह की शूटिंग वगैरह हुई है। सो गाइस ये आ चुका है होटल, डल लेक के बीचों बीच में होटल, वेज होटल। तो यहाँ पर गाइज होती है अपनी शिकार राइड, दी एंड।
शिकारा राइड एंड करके बैठ चुका हूँ शुमो में, जा रहा हूँ दिलसाद गार्डन। सो गाइस आ चुका हूँ मुगल गार्डन, ये रहा एकदम ठीक मेरे सामने। पहले लेते हैं टिकट, अडल्ट है 24 रुपीज। सो गाइस ये ले लिया है मैंने टिकट। ये रहे एंट्री। तो ये रास्ता देखिएगा इस कितना लंबा है, दिख रहा है आपको कहाँ तक जा रहा है, बिल्कुल आगे तक। हम भी वहीं तक जाएंगे। ये पेड़ देखिए कितना प्यारा लग रहा है। चल के आ गया हूँ मैं वहां से, कहाँ है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और अभी भी कितना लंबा रास्ता है, एक सीढ़ी वो फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर फिर। काफी बड़ा गार्डन है। फाइनली गाइज ये आ चुका है इस गार्डन का एंडिंग पॉइंट, और अभी भी आया नहीं है, अभी भी काफी आगे तक है। ये देखिए कितना बड़ा गार्डन है, ऊपर से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए कहाँ से चल के आ रहा हूँ मैं। तो गाइज अब निकल रहा हूँ मुगल गार्डन से, अब चलते हैं बाहर देखते हैं क्या है और देखने को श्रीनगर में, तो बने रहिए अभी वीडियो में। सो गाइज आ चुका हूँ एग्जिट गेट की तरफ। सो गाइज यहीं पे खा रहा हूँ मैं स्वीट कॉइन। क्या बोला तूने? भैया बना रहे थे बिल्कुल ठीक सामने और इस प्यारे व्यू के साथ। एकदम मीठा है गाइस, एकदम मीठा। सो गाइस टाइम हो चुका है 4:11 और ये लोकल सिटी बस मिल चुकी है जो मुझे शालीमार गार्डन पहुंचा देगी। गाइस पहुंच चुके हैं शालीमार गार्डन, यहाँ की लोकल मार्केट। और बस ओनली 10 रुपीज में पहुंचा दिया मैं। यहाँ पर भी सेम प्राइस। तो गाइस ले लिया इसका भी टिकट, आपको दे रहे हैं। अभी इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है।
ये देखिए पेड़ पे क्या लिखा है उर्दू से, और उस वाले पर भी लिखा है। चलिए मैं चलता हूँ अपने बोट हाउस की तरफ, आज रात बोट हाउस एक्सपीरियंस करेंगे। मैंने अभी तक आपको दिखाया नहीं है, अब मैं जाऊँगा फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस शालीमार गार्डन से भी निकल गए हम, ये देखिए बाहर खड़ा हूँ। अब सिर्फ अपनी बस का इंतज़ार कर रहा हूँ कब बस आती है, और कब मैं चलता हूँ अपने बोट हाउस की तरफ। सो फाइनली गाइस डल लेक के गेट नंबर 1 पर आप पहुँच चुका हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ अपने बोट हाउस की तरफ।